नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुरवाई से जमीयत उलमा ए हिंद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर हाथ में तख्तियां और तिरंगा लेकर मॉब लिंचिंग एवं तबरेज अंसारी की हत्या के विरोध में मौन जुलूस निकाला और तहसीलदार को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज ने ज्ञापन के माध्यम से हिंदुस्तान में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं एवं हाल ही में झारखंड में हुई तबरेज अंसारी की हत्या के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया कि ये अमन शांति देश में कायम रहे। ये झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी के साथ जो कुछ लोगों ने 18 घंटे तक दरिंदगी और हैवानियत के साथ उनको मारा और पीटा है और उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती की है, उसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने और कोरवाई के तहसील के तमाम लोगों ने उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ रियासती हुकूमत और केंद्र सरकार और श्री राष्ट्रपति महोदय से ये दरख्वास्त और कृपया की गई है कि उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। धरोहर नहीं हो सकती, बल्कि हमारा जो एक बड़ा मजमा है और ये हमारे स्टेट न्यूज 18 के लिए कुरवाई से काशिफ खान की रिपोर्ट।